नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अभी चलो उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास एनसीईआरटी नोट्स पॉलिटी का है, इंडियन पॉलिटी, और ये बुक ओल्ड एंड न्यू 6 से 12 तक की बुक का कंटेंट दिया हुआ है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही अदर एग्जाम उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, जैसे नेट, जेआरएफ और यूजीसी इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का ही कंटेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रस्तावना से। भारतीय संविधान प्रस्तावना और उसकी विशेषताएं स्रोत, तो इसमें कक्षा 7वीं पुरानी एनसीईआरटी अध्याय 2 हमारा संविधान, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, हमारे आदर्श क्या है, प्रस्तावना, और कक्षा 8 नई एनसीईआरटी अध्याय 1, तो इसमें ऐसे कई कंटेंट अवेलेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो कि दस्तावेज के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। कि संविधान में प्रस्तावना उसके निर्माताओं की मंशा और इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है या करती है। प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में तैयार किया गया था और 2 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रस्तावना का मसौदा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN Rao ने तैयार किया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन में मध्यम से संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कर दिया गया है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में देखे जा सकते हैं। प्रस्तावना का महत्व एवं उपयोगिता, तो संविधान की प्रस्तावना में वे विचार शामिल हैं जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है और यह कोई शक्ति नहीं देता है, बल्कि यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है या संपूर्ण संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करता है। ये उन भव्य उद्देश्यों और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को भी स्थापित करता है जिन्हें संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए। बेरोजगारी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। 1995 में केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में सीधे लागू करने योग्य नहीं है। प्रस्तावना के घटक क्या हैं? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के घटक संविधान हैं। प्रस्तावना दर्शाती है कि भारत के लोग सत्ता के स्रोत हैं। इसका मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति नागरिकों के पास है और उसे अपने प्रतिनिधियों की आलोचना करने का भी अधिकार है। इसमें इसके अपनाने की तारीख शामिल है जो कि 26 नवंबर 1949 है। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है, जो कि राष्ट्र के साथ साथ नागरिकों की अखंडता और एकता को बनाए रखना है। यह भारतीय राज्य की प्रकृति को भी उचित ठहराता है और संप्रभु समाजवादी गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है। प्रस्तावना में प्रयुक्त कीवर्ड तो देखते हैं दोस्तों, हम भारत के लोग, इसका मतलब यह है कि यह भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करता है और संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन होना। संप्रभु शब्द का अर्थ है कि राज्य की स्वतंत्रता शक्ति से। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राज्य का अर्थ है कि देश, कंट्री हमारा राज्य का अर्थ है। दूसरे शब्दों में यह एक संप्रभु राज्य किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं होता है और उस राज्य के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है।
गणतंत्र, तो गणतंत्र शब्द से संकेत मिलता है कि राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा। इस अवधारणा के समावेश से वंशानुगत शासन की परंपरा समाप्त हो गई है। अगला है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का वह राज्य किसी धर्म की मान्यता नहीं देता है और राज्य के मामलों में तटस्थ होता है, यह सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। ऐसा बॉम्बे बनाम भारत संघ 1949 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है। स्वतंत्रता के बारे में देखते हैं, तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है कि लोगों को अपने जीवन का तरीका चुनने और राजनीतिक विचार रखने और समाज में व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये है कि नागरिकों पर उनके विचारों, भावनाओं और विचारों के संदर्भ में कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आज़ादी का मतलब कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही कर सकता है। कोई भी चीज़ को सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा कर सकती है, स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आ सकती है। सीमाएं स्वतंत्रता के नाम पर चोटों से बचने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। न्याय समाज, न्याय और समाज, तो मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था रखने बनाए रखने के लिए नागरिकों के बीच न्याय आवश्यक है। न्याय शब्द इसमें तीन तत्व शामिल होते हैं जो कि परिभाषा को पूरा करते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन प्रकार के न्याय होते हैं। सामाजिक न्याय, इसका अर्थ है कि संविधान किसी बिना किसी समाज का निर्माण करना चाहता है। जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्थिक न्याय का इसका मतलब है कि लोगों के बीच उनकी संपत्ति, आय, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि धन का वितरण उनके काम के आधार पर होना चाहिए, किसी अन्य कारण से नहीं। व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी लोगों को अपनी आजीविका के लिए कमाने के अवसर मिलने चाहिए। राजनीतिक न्याय, इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच और सरकार में समान आवाज मिलना चाहिए। बंधुत्व शब्द का अर्थ है कि भाईचारे की भावना और देश के सभी लोगों के साथ भावात्मक लगाव, और यह एक भावना को संदर्भित करता है जो कि मदद करती है। विश्वास रखें कि सभी एक ही मिट्टी के बच्चे और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका भाईचारा सामाजिक मानदंडों या नियमों के ऊपर है, यह जाति, उम्र या लिंग से ऊपर कार्यस्थता है। समानता, समानता शब्द का अर्थ है समाज किसी भी वर्ग या कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज के लिए समान अवसर दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी प्रकार के को हटाना, समाज के से भेदभाव समाप्त कर लोगों के रहने के लिए स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण करना, कानून के सामने सभी समान हैं। अगला है कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शब्द, इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान का एक स्थापित रूप है जो कि चुनाव में व्यक्त लोगों को इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। यह इंगित करता है कि स्रोत सरकार की शक्ति उसके लोगों में निहित होती है और एक लोकतांत्रिक सरकार होती है जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार। समाजवादी, समाजवादी या समाजवाद का अर्थ है कि सरकार द्वारा उत्पादक शक्तियों का स्वामित्व ताकि वे लोगों को समान रूप से लाभान्वित करें। भारत ने डेमोक्रेटिक को अपनाया है समाजवाद, जो कि साम्यवादी समाजवाद से भिन्न है। संप्रभु, तो दोस्तों ये तो देख चुके, इसमें देखते हैं भारत का संविधान प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को राष्ट्र बनाने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं और आगे है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, और इसके सभी नागरिकों के लिए है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की समानता, स्थिति और अवसर की और उन सभी के बीच पदोन्नति करना, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना। हमारी संविधान सभा में नवंबर 1949 के 26वें दिन हम इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और स्वयं को सौंप देते हैं कि मुख्य
विशेषता भारतीय संविधान की देखते हैं तो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान में है जो कि 465 आर्टिकल हैं और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, इसलिए यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यह एक व्यापक विस्तृत और विस्तृत दस्तावेज है। जिन कारकों ने इस घटना में योगदान दिया है वे भौगोलिक कारक हैं, देश और विविधता की विशालता, ऐतिहासिक कारक, भारत सरकार का प्रभाव, 1935 केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह कि संविधान कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व है, संसदीय लोकतंत्र, तो हमारी संसद ने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली अपनाई है जो संविधान सभा ने केंद्र और राज्यों दोनों के लिए संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी प्रमुखों के बीच अंतर किया जाता है। मंत्रिपरिषद केंद्रीय संसद के निचले सदन लोकसभा के समक्ष उत्तरदायी हैं, कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्यकारी कार्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट में नियुक्त संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में देखे जाते हैं। अल्पमत वाली पार्टी बहुमत के विरोध में काम करती है और उनका कर्तव्य है कि वे इसे नियमित रूप से चुनौती दें, और जब भी प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल या संसद के बहुमत का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। मौलिक अधिकार, तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनकी गारंटी देता है। भारत का संविधान इस मूल सिद्धांत की पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बुनियादी अधिकारों का आनंद लेने और अनुमति है कि वे संविधान का भाग 3 उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है और पूर्ण नहीं है। राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से लिया गया भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों की उन विशेषताओं को सहमत किया है जो भारतीय समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुकूल थी। भारतीय संविधान सभा ने हर जगह में सर्वोत्तम विशेषताएं ली हैं, उन्हें अपनाया या अपना बनाया है। हमारे संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई विशेषताएं हैं। वे विशेषताएं जो संघीय योजना का राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण इत्यादि हैं। भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताएं, देशों और उधार ली गई विशेषताएं क्या हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि संप्रति सूची, व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र सलाहकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वगैरह लिया गया है। आयरलैंड तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, TPSP राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव विधि इत्यादि लिया गया है। जापान में लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सोवियत संघ USSR मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि लिया गया। द UK की अगर बात करें तो संसदीय सरकार कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रेट संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय वाद और ये हम इसमें मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद इत्यादि दिया गया। तो ये दोस्तों बताना ये कहाँ से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और इसके साथ ही फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श इत्यादि लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, तो संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में
5A के नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की एक संहिता पेश की गई है। मौलिक कर्तव्य वास्तव में सेवा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को लगातार याद दिलाना है कि संविधान में उन्हें विशेष रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करना ही भी आवश्यक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान का एक अनूठा पहलू है। यह है कि इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में एक अध्याय शामिल है। यह सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सरकार को इन्हें लागू करने के निर्देशों की प्रकृति में है। एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ तो भारतीय संविधान में शासन की सभी संघीय विशेषताएं शामिल हैं, जैसे कि दोहरी सरकार प्रणाली, केंद्र राज्य, तीन राज्य अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन, संवैधानिक सर्वोच्चता, उच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका और दो संसदनीयात्मक निचला और उच्च सदन, एकीकृत न्याय प्रणाली या न्यायिक प्रणाली, संविधान में संघ और राज्य, राज्यों के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर पर उच्च न्यायालय और राज्य स्तर पर अन्य अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका तो कानून के शासन और लोकतंत्र की दार्शनिक नींव को सुरक्षित करना आवश्यक है, और सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र एक अलग न्यायपालिका बनाई है। दूसरे, संविधान ने प्रशासन और वित्त के मामलों में न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है कि भारतीय संविधान इसके बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। जब संशोधन में आसानी की बात आती है तो कठोरता और लचीलापन आर्टिकल 368 दो प्रकार के संशोधन बताता है। कुछ प्रावधानों को विशेष संसदीय बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, कि यानी प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत यानी 50% से अधिक होना चाहिए। कुछ अन्य प्रावधानों को विशेष संसदीय बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और कुल राज्यों में से आधे द्वारा उनका अनुसमर्थन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापक बहुमत के साथ संविधान में संशोधन किया जाए। साथ ही सामान्य विधायी प्रक्रिया के तरीके से संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और ऐसे संशोधन आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं है। सत्ता का प्राधिकरण, सरकार के तीन अंग होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार इन तीनों अंगों में से प्रत्येक के पास अलग अलग शक्तियाँ, ऐसा ही है कि सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो और शक्ति का संतुलन बना रहे। कार्यपालिका उन लोगों का एक छोटा समूह है जो कि सरकार चलाने और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायिका के रूप में जाना जाता है और अदालतों की प्रणाली और न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। संप्रभुता के बीच संतुलन संसद और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 13, 32 और 136 द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति है। यह किसी भी संसदीय कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर सकता है। दूसरी ओर लोगों की अच्छी या अच्छा इच्छा का प्रतिनिधि होने के नाते संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, और वह आर्टिकल 368 के तहत अपनी शक्तियों के माध्यम से संविधान के प्रमुख भाग में संशोधन भी कर सकती है। एकल संविधान राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं है। यह सच्चे संघ में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान होते हैं। राज्यों
पर केंद्र का नियंत्रण, तो राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान करना होगा और वे उन मामलों का कोई भी कानून नहीं बना सकते जिन पर पहले से ही केंद्र कानून है। राज्यसभा राज्य की समानता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन एक सच्चे संघ में विधानमंडल के ऊपरी सदन में राज्यों की गठित इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व होता है। वयस्क मताधिकार, मताधिकार तो भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है और जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने का हकदार है। इस संबंध में लिंग, जाति, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। एकल नागरिकता, यद्यपि भारत का संविधान संघीय और दोहरी राजनीति यानी केंद्र और राज्य का प्रावधान करता है, यह पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता यानी कि अमेरिका की नागरिकता और राज्य की नागरिकता का प्रावधान करता है। दूसरी ओर भारत में केवल एक ही नागरिकता है यानी कि भारत की नागरिकता, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। यह प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है और उसे नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हैं चाहे वे किसी भी राज्य में रहता हो। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है जो कि संविधान को ठीक से काम करने में मदद करती है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है, इसलिए विभिन्न आर्टिकलों का उल्लंघन करने वाले कार्यों की जांच करना न्यायपालिका का कर्तव्य होता है। संविधान में इसका उल्लेख क्या है, तो न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा का उपयोग करने वाले सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और कार्यों का सवाल उठाया जा सकता है। बुनियादी संरचना सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत एक भारतीय न्यायिक मानदंड है कि भारत के संविधान में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधन के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। संविधान की मूल विशेषताओं को न्यायपालिका द्वारा खुले तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कई मामलों में अदालतों द्वारा कम से कम 20 विशेषताओं को बुनियादी या आवश्यक बताया गया है और उन्हें बुनियादी संरचना में शामिल किया गया है। राहुल गांधी बनाम राज्य नारायण मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में भी देखा गया है कि संविधान की किसी विशेष विशेषता का बुनियादी विशेषता होने का दावा अदालत द्वारा उसके सामने आने वाले प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाएगा। संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, ना कि राज्य में। विधानमंडल, तो विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए। आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में उन चुनौतियों को से निपटने के लिए विस्तृत प्रावधान है जो कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा पैदा करती है। राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आर्टिकल 352 और दूसरा है 356, वित्तीय राज्य वाले में 356 और वित्तीय है आर्टिकल 360। त्रिस्तरीय सरकार 73वें या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमारे पास सरकारी ढांचे के एक अतिरिक्त संवैधानिक स्तर के रूप में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है। ये खंड भारत में स्वय कार्यशील गांव देखने के गांधी जी के सपने को पूरा करता है। स्वतंत्र निकाय, संविधान में विभिन्न स्वतंत्र निकाय हैं की स्थापना की है और उन्हें संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने की शक्तियाँ प्रदान की हैं। चुनाव आयोग तो भारत एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो कि भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह निकाय भारत के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG, यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि संसद, विधानमंडल और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों को विभागों की ऑडिट के लिए जिम्मेदार है। UPSC और UPSC भारत के संविधान के संघ लोक सेवा आयोग, UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग UPSC को सलाहकार संस्थाएँ
बनाया है, जो कि क्रमशः भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विषय पर सलाह प्रदान करते हैं। UPSC भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी और SPSC राज्य भर्ती एजेंसी इन संस्थानों को कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित या निश्चित सेवा शर्तें आदि प्रदान की गई हैं, ताकि वे निश्चित सुनिश्चित किया जा सके और वे विधायिका या कार्यपालिका की सनक के प्रति संवेदनशील ना हो। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता भारतीय संघीय सरकार है, लेकिन इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है। एकात्मक शासन प्रणाली की ओर से इसे कभी कभी अर्थ संघीय प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें संघीय एकात्मक प्रणाली दोनों की विशेषताएं होती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया था, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, और संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों की 3 सूचियाँ हैं, जो कि ये विषय दिखाते हैं कि सरकार के 2 समूहों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी क्लास, और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।